दोस्तों, ये फ़ोटो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इस टाइम पे, फिजिकल एजुकेशन्स के ग्रुप में स्पेशली। तो ये बड़ा ही मतलब परेशान कर देने वाली एक फ़ोटो वायरल कर दी है लोगों ने, और जो पेजेस के और जो ग्रुप्स के एडमिन हैं वो भी इसको मतलब बढ़ावा देते जा रहे हैं विदाउट नोइंग कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो इसमें लिखा कुछ ऐसा है इन्होंने कि दोस्तों मतलब प्रियजनों और जो एस्पिरेंट्स हैं, जैसे कि आप लोग DSSB NVS KVS में जो टीचर बनना चाहते हैं, तो उनको ये बता रहा है कि मतलब फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को CBSE ने हटा दिया है, ठीक है। इस व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को ही सिलेबस से हटा दिया है, जो कि कोड है 048, और अब नया सिलेबस आएगा और ये सब चीज़ें लिखी हैं। 9th से लेके 12वीं तक का नया कुछ फंडा ला रहे हैं जिसमें पढ़ाने का नहीं है, सिर्फ गेम पीरियड होएगा। और सो इसमें ऐसा लिखा है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे फिजिकल एजुकेशन के, और रातों रात 1 लाख से ज़्यादा, जैसा कि लिखा है, 1 लाख से ज़्यादा टीचर बेरोजगार हो गए हैं जो कि 11th 12th को पढ़ाते थे, अब जॉब खो चुके हैं। तो ये कम्प्लीटली फेक न्यूज़ है, इस पर आप लोग ट्रस्ट ना करें। ऐसा कैसे हो सकता है आप खुद ही सोचिए। फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। वो आपका प्रिंसिपल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एक स्कूल में, क्योंकि वो डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखता है, एक डेकोरम को बना के रखता है स्टूडेंट्स में। चलो 1% अगर हमने मान भी लिया कि फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट हटा दिया आपने हमेशा के लिए, तो आपको लगता है कि जो बच्चे आएंगे वो फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी मतलब पढ़ेंगे? वो तो मस्ती करेंगे, खेलेंगे, टीचर से बदतमीजी करेंगे, मैदान में भाग जाएंगे, इतनी सारी चीज़ें करेंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर ही तो डिसिप्लिन बना के रखता है। तो मेरे हिसाब से फिजिकल एजुकेशन टीचर को तो हम लोग कभी मतलब उस छोटे उस पे लेके चल ही नहीं सकते। बाकी इसका वायरल ट्रुथ क्या है वो मैं दिखा देता हूँ अब आपको, हुआ क्या है असलियत में। तो हुआ कुछ ऐसा है जैसा कि यहाँ लिखा है, रमेश पोखरियाल निशांक जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने कल ये परसों एक न्यूज़ जारी करी थी जिसमें कि इन्होंने बोला है कि अब जो बोर्ड है वो सिर्फ 29 सब्जेक्ट को इस वाले सेशन के लिए, जो अभी सेशन चल रहा है, काफ़ी बच्चों के पेपर रह रखे हैं, तो उनको 29 सब्जेक्ट में ही पेपर देने हैं और कोई सब्जेक्ट के पेपर नहीं देंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता ही होगा दिल्ली में एक तो दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, शाहदरा साइड, और दूसरा इस टाइम तो सबसे ज़्यादा है कोरोना। तो कोरोना को लेके और दिल्ली को लेके, दिल्ली को तो इन्होंने टेक ओवर कर लिया था लेकिन कोरोना को ये लोग पार नहीं कर पा रहे हैं CBSE वाले, या कोई भी हमारे पूरे वर्ल्ड में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो उसको देखते हुए इन्होंने बस इतना बोला था कि 29 सब्जेक्ट्स को ही इस बार दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। जैसा कि यहाँ पर फ़ोटो भी दे रखी है इन्होंने, स्पेशली उसमें कह रखा है ये सब चीज़ें, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। देखिए ये लिखा है कि इट इज़ इन्फॉर्म डैट बोर्ड वॉज नॉट एबल टू कंडक्ट एग्जाम्स ऑन 8 एग्जामिनेशन डेज, क्योंकि 8 दिन जो एग्जाम्स होने थे वो नहीं हो पाए ड्यू टू कोविड-19, जो कि एक महामारी फैल चुकी है पूरी दुनिया में, और इसके अलावा फर्दर जो नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए हैं उस वजह से 4 दिन उस वजह से एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए। तो इसी कारण से ये थोड़ा सा इन्होंने डिसीजन लिया है। जैसे कि हम बात करें, म्यूज़िक एक सब्जेक्ट है तो म्यूज़िक के अंदर भी बहुत सारे मिनी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो उनमें से जैसे 4 हटा दिए हैं ऐसे करके, और लिस्ट भी दी थी इन्होंने, लिस्ट आपकी, एक सेकेंड, लिस्ट इसमें नहीं है, नीचे होनी चाहिए। जैसे कि ये है लिस्ट आपकी, तो ये आपकी लिस्ट दे रखी है कि मतलब कि ये होने थे एग्ज़ाम जो नहीं हो पाए, ठीक है, ये भी होने थे और ये भी होने थे। तो ऐसे ही हैं ये सारे के सारे, आपके 29 बनेंगे, कुछ ये ऊपर दे रखे हैं। तो इस न्यूज़ पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, ये बेफालतू में टेंशन देने वाली बात थी, अप्रूवल फूल बना दिया आपका, ठीक है दोस्त। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।